हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैं अपनी एक छोटी सी किराना स्टोर की दुकान चलाता हूँ, साथ ही मैं किराना स्टोर के बारे में कुछ टिप्स आपको भी देता रहता हूँ कि आपको दुकान किस तरीके से खोलनी चाहिए, क्या क्या सामान आपको लेके आनी चाहिए, उसकी लिस्ट क्या होती है, तो ये मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। साथ ही आपको दुकान में शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी वीडियो के द्वारा बताई हुई हैं, जिन पर आपने सपोर्ट भी मुझे अच्छा खासा किया हुआ है, मतलब कि उन पर अच्छे खासे व्यूज और लाइक्स आए हुए हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके के वीडियो देखना काफ़ी सारे लोगों को अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग हैं तो बेरोज़गार हो चुके हैं और उनके पास कोई भी काम नहीं है। और जब मैं बेरोज़गार था तो मैंने भी एक किराना स्टोर की दुकान है तो वो खोली, और अभी इस तरीके के काफ़ी सारे लोगों के माइंड में सवाल है तो वो आ रहे हैं कि क्यों ना हमें किराना स्टोर की दुकान खोलना है। और दोस्तों, काफ़ी सारे लोग हैं तो वो किराना स्टोर में अनसक्सेस भी होती हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं तो वो सक्सेस भी हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन है। अभी काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर दुकान है तो वो खोली हुई है, लेकिन वो एक दिन का 100 रुपये 200 रुपये ही अर्न कर पा रहे हैं, जबकि दोस्तों इतने में कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अगर रेंट से अगर आप दुकान भी ले लेते हो ना, तो तब भी ये समझ लो कि आप तो वहाँ पर रेंट ही निकाल पा रहे हो, ठीक है, बाकी का खर्चे वगैरह, ठीक है। तो 200-250 रुपये में इतने में कुछ होता नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपकी दुकान है और आपके घर में ही कोई दुकान है, ठीक है, या फिर आप घर पर दुकान खोल सकते हो जहाँ पर आपको रेंट नहीं देना हो, तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि आप अपने बच्चों की वहाँ पर हेल्प है तो वो ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप एक जो नॉर्मल व्यक्ति है तो वो एक दिन का 500 रुपये या फिर 400 रुपये तो आराम से कमाता ही है, ठीक है, अगर वो मजदूरी भी करता है तब। तो दोस्तों, आप वहाँ पर फालतू में दुकान पर बैठ जाओ, ठीक है, अगर आप फालतू हो तो बैठ भी सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हैं तो वो तो ये बोलते हैं कि भाई पैसे का क्या करेंगे, ऐसे ही खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो इस तरीके के अगर आप हैं तो मैं यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि हमको ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो भाई, ऐसे मैंने काफ़ी सारे लोग हैं तो वो देखे हुए हैं जिन्होंने दुकान खोली थी, और अब वो दूसरा काम करते हैं पार्ट टाइम में, वो दुकान को भी देखते हैं और वो अपने दूसरे काम है तो उसको भी कर देती हैं, और दुकान पर वो अपने किसी बच्चे वगैरह को बिठा देती हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर दुकान पे आपका बच्चा बैठ के और वो पढ़ाई भी करता है, साथ ही दुकान भी चलाता है, तो उसकी यहाँ पर पढ़ाई भी होती रहेगी अगर पढ़ने वाला होगा तो, और अगर नहीं वो पढ़ने वाला होगा ना तो काफ़ी सारे माता पिता हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों के भी मार्क्स उतने नहीं आ पाते जितने कि कोई व्यक्ति है तो वो काम भी कर लेता है, व्यक्ति नहीं कोई स्टूडेंट है तो वो घर पे काम भी करता है, उसकी कंडीशन फैमिली की ख़राब होती है तो उसको काम करना पड़ता है, लेकिन तब भी वो मार्क्स है तो वो ज़्यादा ले लेता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उसका जो माइंड है तो वो होता है। अगर आप अपने बच्चों को ये बोलते हो कि नहीं, हमारा बच्चा कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100%, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं तो वो फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसको पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं गया था एक दुकान पर, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक 6-7 साल का लड़का है और उसकी लड़का, ठीक है, और उसकी एक बहन थी, वो होगी 12-13 साल की। तो जब मैं वहाँ पर होलसेल की दुकान पर सामान लेने के लिए गया था तो उनके हाथ में कोई 1200-1300 रुपये थे, ठीक है, तो उतने रुपये लेके, और वो भी वहाँ पर दुकान पर सामान लेने के लिए आए थे, मतलब कि दोस्तों वो भी दुकान है तो वो अपनी चलाती हैं, और दुकान चलाने के साथ साथ वो पढ़ाई भी करती हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के वो लग रहे थे कि पढ़े लिखे। हालांकि मैंने उनसे बात नहीं की, और पता है मैंने आपको दिखाने के लिए उनका फ़ोटो खींच लिया था कि ए लो ए मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा, लेकिन हुआ ये कि जिस मोबाइल में मैंने फ़ोटो खींचा था तो वो मोबाइल हमने अपने जिया जी को दे दिया, ठीक है, क्योंकि हम नया मोबाइल लेके आए तो उनका मोबाइल ख़राब हो गया था, तो उन्होंने बोला कि ये मोबाइल मुझे दे दो, तो वो फ़ोटो था ना तो वो उसी मोबाइल में चला गया, ठीक है। मैंने वैसे फ़ोटो वगैरह डिलीट करके दिया था, तो हो सकता है कि वो वाला फ़ोटो डिलीट भी मैंने कर दिया हो, ठीक है, सभी के चक्कर में वो फ़ोटो भी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि चलो मैं बोलूँगा कि इस तरीके से अगर आपकी भी दुकान है, ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं तो वो कमेंट करके बोलते हैं कि हमको यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है, हमने यहाँ पर सोच के खोला था, इसमें पैसा है तो वो लगा दिया है, लेकिन इसमें 200-300 रुपये ही आ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा तो कि अगर आपका कोई भैया है, ठीक है, या फिर कोई आपका छोटा बच्चा है जो कि दुकान को थोड़ा सा संभाल सकता है, ठीक है, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं तो वो दुकान को चला रहे हैं, पता है यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो बच्चा है तो दुकान पे बैठा बैठा पढ़ता भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि कस्टमर उतने ज़्यादा आते नहीं हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो आपका बच्चा है ना तो वो बिगड़ेगा नहीं, या फिर सबसे ज़्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में फिर पैसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो समझदार है ना तो वो आपकी दुकान को बढ़ा ले जाएगा, वो आपको घर चलाने में सपोर्ट करेगा, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं और उनके अंदर स्किल भी आएगी, ठीक है, किताबी ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है, किताबी ज्ञान से अब जॉब भी नहीं मिल रही है, ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाती हो तो वहाँ पर आपका टैलेंट चाहिए, तो ऐसे ही अगर दुकान पर अगर आप बैठा देती हो तो उसके अंदर उस वो
अलग अलग तरीके के ग्राहक से मिलेगा, ठीक है। अलग अलग माइंड को पहचानेगा कि कोई व्यक्ति क्या सोचता है, किस तरीके से चकमा देने के लिए, ठीक है, किस तरीके से बुलाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही पढ़ाई के अंदर ही आती हैं, जो कि आपका बच्चा है तो वो दुकान पर रह के सीख जाएगा। और दोस्तों, मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि हमारी जो सिस्टर हैं तो वो भी इस तरीके से दुकान है तो वो चलाती हैं। हमारी सिस्टर हैं, उनका बच्चा है, वो अभी इस साल 10th में है, ठीक है। जब वो 7वीं क्लास में था तो तभी से वो दुकान में मतलब कि सपोर्ट है तो वो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि सामान चाहिए तो वो ही ले आता है, ठीक है, ला के फिर रख देता है। तो दुकान पर घर से कोई भी सामान है तो वो बेच देता है, ठीक है। ऐसे घर में दुकान होती है तो उसमें से कोई भी उठा के दे देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप की अभी दुकान नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी दुकान में प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से काम है तो वो अपना कर सकते हैं कि आप अपना कोई दूसरा काम है तो वो करना स्टार्ट कर दीजिए और आप दुकान को भी देखते रहिए, लेकिन आप दुकान पर एकदम बैठिए नहीं, ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा, आप उसकी देख रेख करते रहें और कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसको बिठा दें, जो कि जैसे कि बच्चा हो सकता है, ठीक है, आपका भैया हो सकता है, तो वो ऑनलाइन पढ़ भी सकता है और वो चीज़ें। हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर उसको कुछ टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम पे मान लो कि उसको पढ़ना ही और मन लगा के पढ़ना है, दुकान पे कोई ग्राहक आ जाता है तो वो उसको डिस्टर्ब करता है, तो दोस्तों ये यहाँ पर आप उसको पूछ लें कि आपका यहाँ पे मन है तो लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप यहाँ पर काम और पढ़ाई दोनों एक साथ कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। अगर वो मना करता है ना तो आप उससे मत करवाइए, ठीक है। अगर वो बोलता है कि नहीं हम कर पा रहे हैं, ठीक है, और उसका मन है तो करवाइए, मतलब मन के विरुद्ध आपको उससे कोई भी काम नहीं करवाना, ये तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से दोस्तों ये जो काम है तो किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, अभी मुझे मच्छर खा रहे हैं, तो बस आगे मैं इसी तरीके से और भी वीडियो लेके आता रहूँगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको किराना स्टोर से कोई भी टिप्स चाहिए हो तो दोस्तों मेरे दूसरे वीडियो देख लेना, इन वीडियो में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने आपको मतलब मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैंने ये वीडियो ये समझिए कि रच रच के नहीं बनाया है, मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया है और ये चीज़ें मतलब कि अंदर से निकली हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने स्क्रिप्ट लिख के रख ली और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपनी दुकान है तो वो किसी दूसरे के सहयोग से और आपकी दुकान भी चलती रहेगी और आप जो करते हैं तो मतलब कि दूसरा काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।